आपके राइट साइड के आई के अराउंड इंजरी हुई थी कभी, और उसके इफेक्ट के कारण अगर देखें तो इधर साइड से ये लैटरल कैंथल एक फोल्ड बना हुआ है, एक ट्रॉपियन है, मतलब नीचे वाला जो आईलिड है ये नीचे की तरफ खिंचा हुआ है। इसके कारण क्या क्या दिक्कत होती है आपको? दिक्कत होती है कि आग से पानी बाहर निकल जाती है। पानी गिरते रहता है ना? एक इरिटेशन सा लगता रहता है, आँख बंद नहीं होता है, सोने के बाद भी दिक्कत होता खुला है, रहता है खींचा हुआ वो। रहता है आगे। और इस तरफ एक ऐसे कैंथल फोल्ड बोलते हैं इसको, लेटरल कैंथल फोल्ड है ये, एक ये बन गया है। ये सब उस समय जब इंजरी हुई होगी, ये स्टिच लगा गया होगा, तो उस समय थोड़ा सा टिश्यू मिसअलाइन होने के कारण भी नहीं, ऐसा ये हो जाता गलती है। किसी गलती से हो गया है। नहीं, अब गलती नहीं कहा जाए, उस समय उसका जितना सलाहियत था वो किया है ना। हर लोग इतना एक्सपर्टाइज नहीं होता है, आँख के पास अच्छे डॉक्टर्स को भी जिनका एक्सपीरियंस नहीं है उनमें ऐसा रिजल्ट मिल जाता है कई बार। तो इसमें अभी हम लोग जेड प्लास्टी टेक्निक का यूज करके ये दोनों जो पॉइंट हम लोग आइडेंटिफाई कर रहे हैं, मतलब एक लोअर आईलिड में टेंट की तरह नीचे जिसको ट्रॉपियन कहते हैं ये, और इधर कैंथल फोल्ड, लेटरल कैंथल फोल्ड, इस दोनों को करेक्ट करेंगे। स्कार में अभी हम लोग कुछ भी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि एक ही साथ सब कुछ करेंगे तो नहीं हो सकता है। स्कार ट्रीट करने से फिर एक खिंचाव आता है, तो उसके लिए जो भी करेंगे वो बाद में ही कर पाएंगे। हाँ, एक सेशन अभी लेजर हम लोग जरूर करेंगे इसमें, ताकि स्कार में थोड़ा सा बेनिफिट हम लोगों को मिले, सारे स्कार्स में, इधर सब में मिलेगा। लेकिन फाइनल डेफिनेटिव ट्रीटमेंट इसका बाद में करना होगा, तो अभी जस्ट स्टार्ट कर रहे हैं हम लोग सर्जरी। हल्के से बंद करिए, तो आप हल्के से बंद करिए अपना आँख। हाँ, अब खोलिए। यही आँख हमेशा खुला रहता था आपका? और कब चोट कब लगा था? 2020 दिसंबर, 3 साल पहले, 4 साल पहले, 3 साल पहले। 3 साल पहले। तो इसके कारण नीचे से स्टिच लगा था यहाँ पे, तो ये ट्रॉपियन हो गया था, मतलब आँख हमेशा खुला रहता था, वाटरिंग, इरिटेशन ये होता हुआ रहता होगा आपको। अभी जबकि देखते हैं तो एकदम लाइन एकदम लगभग बराबर है, थोड़ा सा ऊंचा, जो डिलिबरेटली हम वहाँ टिश्यू बैंक करके रखे हैं कि खिंचाव नहीं आए। इसके कारण ये कॉर्नर भी एकदम फोल्डेड था ना? पूरा बोल हाँ, रहे मतलब नॉर्मल लोगों का जैसे रहता है कैंथस वैसा नहीं थे। था, नहीं, उस ये टाइम एक नहीं। पर्दे की तरह बना हुआ था। तो ये सारा करेक्ट हो गया है, थोड़ा सा इंड्यूरेशन है, मतलब टच करते हैं तो हार्ड लगता है। आज तो 9 डेज ही हुआ है, नाइन स्टिच डेज अभी निकाले हैं, ये सॉफ्ट हो जाएगा और 1 से 1.5 महीने में बहुत अच्छा हो जाएगा। एक सेशन लेजर अभी हम लोग 2 वीक्स के बाद एक बार फिर से करेंगे इस पे। ठीक है। ये टेक्निकली बहुत चैलेंजिंग होता है लोअर आईलिड पे या आइज के साइड में कोई सर्जरी करना। वो तो है। हाँ, क्योंकि कोई भी चीज ऊपर से आप अपने हिसाब से नहीं खींच सकते हैं, जो भी कर नीचे करना है उसका इफेक्ट ऊपर जाना है, मतलब फोर्स वेक्टर आप क्रिएट नहीं कर सकते हैं वहां कि हमको ऐसा चाहिए तो खिंचाव इधर कर दें, नहीं कर सकते ना। नहीं, तो कुछ वैसा ही है, लेकिन अच्छा रिजल्ट है आप में, बढ़िया। आप सेटिस्फाइड हैं? अब सर्टिफाइड आंख है बंद होता है, इरिटेशन नहीं लगता है? नहीं। चलिए, गुड।